बढ़िया से अवेलेबल है। जबरदस्त बारिश, जिन लोगों ने हमको जम्मू भेजा है ना ट्रांसफर करा के, वो जो है यदि गलती से ट्रांसफर हो जाए, ये हालात है जम्मू हाईवे का, तो जरा एक बार उसको भी बोलिए कि 4 नंबर देकर के जो ट्रांसफर करवाया है उसको भी पता चले। हमारे इंडिया का हाल है, मेन है कि जो पब्लिक एमिनिटीज है ना, पब्लिक एमिनिटीज के बारे में गवर्नमेंट को ध्यान ही नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप पुल गिर रहे हैं, पुल क्रैक कर रहा है, तो इस तरह से आप ऐसे सड़क पे चलाइएगा, 10-10 लाख 20-20 लाख की गाड़ियां जो है, ये देखिए लाइन से जा रही है गाड़ियां, ये देख लीजिए, रास्ता नहीं पता है, मैप काम नहीं करता है। चलो चलो, ये देखिए हम लोग अभी सांबा से जम्मू वाले हाईवे पे हैं, और ये वन साइडेड है, मतलब एक तरफ बना ही नहीं है सड़क। ये देखिए गाड़ियां उस तरफ से भी आ रहे हैं, लोग उस तरफ से भी आ रही है और इधर से भी जा रहे हैं, तो फिर भी आपको टोल टैक्स जो है लग रहा है अभी भी, तो इतना ये है हालात है सड़कों का। हाईवे बंद है, लोग घूम घूम कर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पेट्रोल ज्यादा लग रहा है और फिर भी टोल वसूला जा रहा है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब हम 3 अक्टूबर से देख रहे हैं पूरा जम्मू जो है सांबा से लेकर के जम्मू तक का हाईवे का यही हाल है, और जब NHAI वाले से बात करिए तो वो कहता नहीं जी सड़क तो ठीक है, तो ये हालात हैं। खैर भला करे भगवान भारत का, क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है राम भरोसे इंडिया चलता है। जय हिंद। पकड़े लीजिए, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ पकड़े लीजिए, चेयर को आगे। फोर का नंबर है ना, ये जीरो एक उधर फंस गया आगे।
अब देखिए ऐसे रोड पे किसी का मन करेगा टोल टैक्स देने का? ये देखिए मिट्टी खड्डे, ये देखिए इतना बड़ा जाम। और ये स्थिति पिछले एक साल से है, ये नहीं कि महीना दो महीना है, एक साल से है। और टोल टैक्स, टोल प्लाजा अभी बंद हो जाना चाहिए था, नियम था जब सड़क ही नहीं है तो फिर टोल टैक्स किस बात का, लेकिन नहीं चल रहा है जी। इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है। इस रोड की वजह से, इस जाम की वजह से एक घंटा हमें फालतू लग गया अभी तक एक घंटा हमारा वेस्ट हो चुका है। और पेट्रोल अलग से जो हमने एक्स्ट्रा पेट्रोल से हमारा वेस्ट हुआ है। गाड़ी खराब होता है जो अलग तो आप देख लीजिए क्या हालात है। ये देखिए, ये है, ये जाम की स्थिति है। ये तीसरा जाम है, मतलब आप कैसे टाइम से ऑफिस पहुंचेगा और कैसे जो भी है। और वहाँ अधिकारी बैठ करके दो मिनट में बोल देता है कि बड़ा सवेरे आ गया है। तो ये हालात है। ये हाईवे है जो टोल रोड है एक तरह से, इस पर टोल टैक्स लगते हैं। और ये हालात है सड़क का, पिछले एक साल से देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है सारी सड़कें।